आज आपके सामने किसी प्रकार का न्यूज लेकर मैं नहीं आया हूं, बल्कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले जोशीले बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार सृजन करने का यह एक कंप्लीट पैकेज है जिसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच्चे सामना। लंबे अरसे के बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। बिहार और देश की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी है। हमारा देश, हमारा राज्य युवा शक्ति से भरपूर है। युवाओं की जनसंख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियां उतनी नहीं है। ऐसे में सरकारी नौकरी पाने की आपाधापी मचती है, भ्रष्टाचार होता है और कई अन्य बातें सामने आती है जिसकी जानकारी आप लोगों को है। कर्मठ युवा के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक अनोखा पहल है, जिसकी पहली बैठक स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री, यूथ आइकन रह चुके नीतीश मिश्रा के प्रयास से ललित नारायण जनता महाविद्यालय के जुबली सभागार में आयोजित हुई। रोजगार की नई पहल, यही टैगलाइन है इस कार्यक्रम का। रोजगार की नई पहल की टैगलाइन के साथ रोजगार सृजन की यह कार्यशाला किस्मत को बदलने वाली हो सकती है, बशर्ते कि जुनून हो, जोशो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। कार्यशाला में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज पटना के डायरेक्टर डॉक्टर प्यारेलाल, खादी ग्रामोद्योग आयोग के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर शिशिर कुमार भुइया एवं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा मौजूद थे। कार्यशाला में मौजूद सैकड़ों की संख्या में आए युवाओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे रोजगार सृजन कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। मुख्य अतिथि के संबोधन में श्री मिश्रा ने बताया कि यह कार्यक्रम नौकरी पाने का नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन कर दूसरे को नौकरी का अवसर देने का है। उन्होंने विस्तार से बताया कि जनसंख्या के अनुपात में सभी लोगों को सरकारी नौकरी पाना मुश्किल है। इस स्थिति में किसी की नौकरी पाने के बदले खुद के रोजगार का सृजन के लिए सरकार बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है, जिसका लाभ बिहार के युवाओं को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि झंझारपुर सहित बिहार के युवा जोशीले हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में रखते हैं, उनके लिए यह एक गोल्डन चांस है। क्या कुछ बताया उन्होंने, आप उन्हीं को सुने। उन्होंने विस्तार से बताया है इस संदर्भ में। आज KVIC जो खादी और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देती है और भारत सरकार के लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करती है, जिनको हम KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन कहते हैं, उनका एक झंझारपुर में जागरूकता का कार्यक्रम था स्वरोजगार को ध्यान में रखते हुए कि KVIC जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो संचालित हो रही है, उसमें कोई इस क्षेत्र के युवा उद्यमी कुछ अपना कारोबार शुरू करना चाहते हों, कुछ अपना स्वरोजगार की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो उनको जानकारी देना कि कैसे आप PMEGP के तहत आप योजना का लाभ लें। मुख्य उद्देश्य इस आयोजन का यही था और उनके सहायक निदेशक KVIC के श्री भुइया जी आए हैं विशेष तौर से, और KVIC और बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान और जनता कॉलेज ने मिल के इस आयोजन को किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में झंझारपुर से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर निकलेंगे जो आने वाले समय में लोगों को रोजगार दे सकेंगे। ललित नारायण जनता कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नारायण झा ने कार्यशाला में वादा किया है कि इस कॉलेज में इस तरह के कार्यक्रम का लगातार आयोजन किया जाएगा। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलने की जानकारी लेने का एक केंद्र विकसित करने का एक प्रयास भी है। कॉलेज आने वाले छात्र छात्रा भी जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ललित नारायण जनता कॉलेज के नए प्रिंसिपल नारायण झा बड़े विद्वान हैं। विद्वता की उच्चतम शिखर पर जाने के बावजूद वे पठन पाठन के अलावा युवाओं के रोजगार की दिशा में काफ़ी गंभीर दिखते हैं, जिनकी झलक झंझारपुर रोजगार सृजन की पहली कार्यशाला में हम लोगों को देखने को मिली। यहाँ पहुँचे KVIC के डायरेक्टर डॉक्टर भुइया ने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना एक उद्देश्य है। स्वरोजगार में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है। PMEG पोर्टल पर मोबाइल से ऑनलाइन जाकर अपने मनपसंद रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। आपको हम इसी रोजगार
सृजन न्यूज पैकेज में उन पोर्टल की भी जानकारी दे रहे हैं जिस नंबर पर जाकर आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अथवा किसी साइबर कैफे में जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने मनपसंद रोजगार को चुनने का निर्णय भी ले सकते हैं, स्वरोजगार कर दूसरों को नौकरी भी दे सकते हैं। कार्यशाला में डॉक्टर प्यारेलाल भी पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि PMEGP के तहत लोगों को कार्यशील पूंजी, अस्थाई पूंजी दोनों सरकार देती है। ऑनलाइन लोग आवेदन कर प्रोजेक्ट डालकर सरकार द्वारा दिए जा रहे ऋण और सब्सिडी का भी लाभ ले सकते हैं। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर सुजीत कुमार झा कर रहे थे। यहाँ एक कठिनाई लोगों ने उठाई थी जिसमें बैंक में ऋण देने के समय में कुछ कठिनाई होती है। बताया गया कि अब बैंकिंग सिस्टम की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। कार्यशाला का उद्देश्य रोजगार सृजन करने के लिए जानकारी देने के अलावा यह भी है कि इससे क्षेत्र विकसित हो। झंझारपुर में कई लोग स्वरोजगार की दिशा में कई प्रकार के काम कर रहे हैं और कई लोग ऐसी सोच रखते हैं, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भविष्य निर्माण की दिशा में एक कारगर कदम बने, यह मेरी कोशिश है, इस चैनल की कोशिश है। इस तरह के कार्यक्रम से अगर कुछ लोग भी स्वरोजगार शुरू करते हैं तो कार्यशाला और मेरा यह प्रयास सफल माना जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप देखते रहें बिहार 24, सच से सामना। विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार।